नमस्कार छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधा सुकमा से आ रही है। कोरापाड़ पंचायत भवन में लगा टीवी, सीआरपीएफ 74 वाहिनी ने लगवाया है ये टीवी। पहली बार पहुंची कोरापाड़ में बिजली, ग्रामीणों में देखी खुशी की लहर। नक्सल प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं कोरापाड़ इलाके में सुरक्षा बलों पर ग्रामीणों का विश्वास बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं सुकमा से। सीआरपीएफ 74 वाहिनी ने ही टीवी लगवाया है। पहली बार कोरापाड़ में बिजली पहुंची है जिसे लेकर गांव वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चेहरे खिले हुए हैं गांव वालों के। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये जहां पर पहली बार बिजली पहुंची है, टीवी लगाया गया है। गांव वालों में बहुत ज्यादा खुशी यहां पर देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये खुशी ही है गांव वालों की जहां टीवी लगा है। और एक टीवी लगने के बाद गांव के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सभी यहां पर बैठ गए टीवी देखने के लिए। तो बेहद खुशी का ये मौका जिसमें सभी बच्चे, सभी गांव वाले बेहद खुश नजर आए। पहली बार कोरापाड़ में बिजली पहुंची है। बीते 2 महीना से यहाँ लाइट का उपलब्ध हुआ है और लोगों में मांग थी कि टीवी टेलीविजन का उपलब्ध कराने का। तो मैं नजदीकी सीआरपीएफ के 74 बटालियन कांकेरलंका में मैं अवगत कराया था, जिससे 74 बटालियन के कमांडेंट डीएन यादव सर जी के माध्यम से टेलीविजन और डिस्क का प्रावधान कराया। तो वहीं रायपुर में बिजली नेता अनुराग सिंह देव के बयान को लेकर मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। बताया जा रहा है कि राज्योत्सव कार्यक्रम को लेकर लगातार कई जिलों से विवाद की स्थिति और नाराजगी थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस पर तंज कसा। उसी को लेकर संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि वो एक दो जिले में अतिथि चयन को लेकर नाराजगी की स्थिति नजरबान की आ रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने नाराजगी को दूर कर दिया था। वहीं बीजेपी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 15 सालों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को दबाकर रखा था। इस प्रकार की इसके सभी जिलों में राज्योत्सव का त्यौहार पूरे भव्यता के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं है। कहीं भी एक आध जगह हो सकता है कि अतिथि चयन में कोई दिक्कत आई हुई तो स्थानीय स्तर के जिला प्रशासन का मसला, वहां पे उसको सुलझा लिया गया है। उसको इस नेता के समर्थक, उस नेता से समर्थक से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपनी खीर निकाल रही है। दरअसल 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबा के रखा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ियापन जो उभर के सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो रायपुर में बिजली के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान को लेकर राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस ने बीजेपी नेता नितिन नवीन का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीजेपी नेता नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में तारी मूर्ति अनावरण को लेकर बयान दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, भारतीय की यहां पर बात करनी चाहिए, भारतीयता की बात होना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नवीन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ जय स्तंभ चौक में शहर राजधानी के बीच में पुतला दहन का कार्यक्रम किए हम लोग। छत्तीसगढ़ महतारी की मान सम्मान देने के लिए भूपेश बघेल जी सदैव अभी कलेक्ट्रेट चौक में 15 फीट छत्तीसगढ़ महतारी का अनावरण कर रहे हैं। तो प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा ने एक रैली का आयोजन किया। महिला मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, इन अपराधों को रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि बिलासपुर से प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरूआत की जाएगी। जो बढ़ते हुए अपराध,
महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, प्रदेश में जो भूपेश बघेल की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे उनमें से एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। उनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उन योजनाओं का लाभ यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। जो महिलाएं बहने हैं रेडी टू ईट के माध्यम से जिनको स्वरोजगार दिया गया था भाजपा के कार्यकाल में, उनको भी निजीकरण कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 11 नवंबर को बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। बढ़ रहा नीति टक्कर में भूपेश बघेल गद्दी छोड़ो। तो वहीं दुर्ग पुलिस ने स्मृति नगर में हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि यहां पर 65,000 रुपए उधार लिए गए थे। युवक के उधार पैसे वापस न कर पाने से नाराज होकर आरोपियों ने उसके मामा नीलेश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही इस मामले में फरार 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। चलिए यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIIT में overall rank 49. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो दुर्ग में पिछले 3-4 दिनों से बंदरों का आतंक है। 3 बंदर इतने उत्पाती हो गए थे कि वो इंसान पर ही हमला करके उन्हें घायल कर रहे थे। इन बंदरों ने अब तक 10 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। बुधवार सुबह भी ओडिशा से आए एक 55 साल की महिला के पैर को बंदर ने बुरी तरह से काटा, जिससे उसे रायपुर मेकाहारा रेफर करना पड़ा। बंदर ने महिला के पैर से मांस ही पूरा निकाल लिया था।
पिछले दो तीन दिनों से दुर्ग शहर में अभी यहाँ पे बंदरों का आतंक था। दो झुंड थे जिसमें कि कुछ अल्फा मेल थे जो उग्र हो गए थे और कुछ लोगों को उन्होंने काटा है। तो जो अल्फा मेल है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो इस तरह से उग्र घूम रहा है। और हाँ, कुछ लोगों को उन्होंने काटा है जिसमें से 10 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग थोड़ी गंभीर तरीके से घायल है, बाकी लोगों को हल्का फुल्का खरोंच टाइप की चीजें आई है। तो अब इसमें यह है कि जो बंदर उग्र हुए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास हमारी दुर्ग वनमंडल की टीम लगी हुई थी। तो दुर्ग में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर एसडीआरएफ को कंट्रोल रूम से सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ टीम ने यहां डीप ड्राइविंग करके मृतक शरीर को किसी तरह से बमुश्किल बाहर निकाला। प्रदेश के आदिवासी समाज में आरक्षण को लेकर मांग लगातार तेज होती जा रही है। महासमुंद जिले के सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में विशाल सभा का आयोजन किया। आदिवासी समाज ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यहां पर आदिवासियों ने यहां रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी किया और डीएम को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी समाज के लिए 37% आरक्षण देने की मांग की। जो छत्तीसगढ़ सरकार और कोर्ट ने जो जिला अध्यक्ष था, हम लोग यहाँ अपने समाज के साथ इसलिए आए हैं कि हमारे आरक्षण जो कम हो गया है, जो 32 था वो 20 हो गया है। लेकिन हम 2012 मार्च को फिर हम 32 को लेने के लिए, जब भाजपा का सरकार था तो फिर लड़ाई लड़ के हम 32 लिए थे। अभी कांग्रेस की सरकार है, फिर 20 कर दिया है, हम फिर 32 लेंगे। यदि हमारे मांगे को पूरी नहीं करते हैं सरकार तो उग्र आंदोलन और करेंगे। 32% से सीधा 20% आ गया है और 12% का सीधा सीधा हानि दिख रही है। हालांकि आज बोल सकते हैं हम लोग की सुनने की स्थिति है, जितने भी बैकलॉग के पद हैं या फिर जो भी सीधी भर्तियां होनी थी उसमें आज 20% भी नहीं बल्कि स्टे लगा हुआ है। और आदिवासी समाज जो है 32% लेकर रहेंगे, ये ऐसी मंशा है सब लोगों की, बहुत उद्वेलित है और लोग आक्रोशित भी। महासमुंद जिले के सरायपारी ब्लॉक में संचालित सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही का एक अनोखा मामला सामने आया है। स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए बच्चों से लकड़ी मंगवाने का मामला सामने आया है। बच्चों से पढ़ाई के बजाय लकड़ी मंगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मामले से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले पर कब तक कार्रवाई करेगा। आचार्य सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लकड़ी लाना। लकड़ी लाने के लिए आप लोग पढ़ने आए थे जी, तो लकड़ी लेने भेजे जी। तो आप लोग गए हो, कितने बच्चे गए हो वहाँ? बहुत सारे आ रहे जा रहे हैं। अच्छा, कितने बार ले चुके लकड़ी पहले? ये एक बार है। अच्छा, वो सर आचार्य सर, आचार्य सर बोले हैं जी। क्या बोले हैं? वहाँ से लकड़ी लाना जाओ साइकिल में जी। अभी स्कूल टाइम है, स्कूल आए हो आप लोग जी, तो स्कूल से आप लोगों को लकड़ी लेने भेजे हैं। तो वहीं दुर्ग में संभागायुक्त महादेव कांवरे ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने अपने निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों की उपस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान 33 चिकित्सक जो हैं वो अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक और 5 संविदा अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित मिले। इसी के साथ यहां नर्सेस रजिस्टर में भी 70 नर्सेस के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाही करने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश किया है। इसी के साथ उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को सभी व्यवस्थाओं को ही करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया है, उसमें एक तो डॉक्टर्स और कर्मचारियों की उपस्थिति देखा है और जो स्थिति है उसके अनुसार काफी लोग अनुपस्थित पाए गए, उन्हें सोकाल नोटिस भी जारी किया गया। शासन का मंशा है कि जो कर्मचारी में जो निर्धारित समय है वो कर्मचारी समय पर पहुंचे और आम जनता के जो काम है वो सही रहे। यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए।
not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. Rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Student of BKCI, my overall rank 30. Myself, Akif Khan, student of BKCI, my overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में overall rank 49. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो एमएसबी जिले के मनेन्द्रगढ़ स्टेट बैंक से यहां उठाईगिरी का मामला सामने आया है। बुधवार को 3 लाख के यहां पर उठाईगिरी के मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज जारी कर राज्य के सभी थानों में भेज दिया गया है। प्रमोद सिंह परिहार जो केलहारी के उसमें काम करता है, थाना आकर सूचना दिया कि उसने 9.90 लाख रुपए जो है कि उसके कार्य के लिए SBI बैंक से निकाला था, उसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है उसमें से 3 लाख रुपए जो है बैंक से उठाईगिरी करना पाया गया है। संबंधित बैंक में जाकर फुटेज तस्दीक किया गया जिसमें दोनों व्यक्तियों की संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है। सभी जगह फुटेज शेयर किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर में यहां शिवानी नगर में पंचायत में आने वाले बस स्टैंड बदहाली की मार झेल रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस बस स्टैंड की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इस मामले में नगर पंचायत अधिकारी का कहना है कि अभी तक बस स्टैंड हैंडओवर नहीं किया गया है तो इसमें अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। हालात ये हो चले हैं कि बस अड्डा शराबियों का अड्डा बन चुका है पूरी तरह से। अभी मैं शिवरी नारायण के नगर पंचायत बस स्टैंड पे मौजूद हूँ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक ऐसा दुर्भाग्य बस स्टैंड है जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। 4 से 5 साल बीत गए हैं, इसको
कंप्लीट पूरा कर दिए गए थे, पूरा रेलिंग लगा दिए गए थे, पूरा हर प्रकार के लाइट से लेकर पंखा उनका सब लगा दिए गए थे। लेकिन बता देना चाहता हूँ, ये घोंसला चिड़ाई का अड्डा बन चुका है, मवेशियों का अड्डा बन चुका है, शराबियों के 7 तौर पे कहा जा सकता है, शराबियों का नशा, जो नशेड़ी होते हैं उनका नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं। कैमरा मैन को कहना चाहूंगा, देख सकते हो आप किस प्रकार से, किस कदर यहाँ जो शराबी होते हैं वो शाम का टाइम, चाहे सुबह का टाइम, चाहे जितना टाइम मन पड़ता है उतना टाइम ऐसी करते हैं, यहाँ नशा पान करते हैं, जो प्रकार जिस चीज करना पड़ रहता है वो चीज करते हैं। लेकिन कोई बोलने वाले यहाँ कोई नहीं है। नगर पंचायत के अधिकारी है सीओ संध्या वर्मा, वो मौत पड़ी हुई है। आखिर इस कदर से कब तक चलेगा? लाखों करोड़ों की जो भवन होते हैं, भवने होती हैं, वो इस प्रकार से जर्जर स्थिति पहुंच जाती है, जिसका कोई मालिक नहीं होते और भगवान भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। तो इस कदर जनताओं की जो टैक्स का जो पैसा है उसके जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कैमरा मैन को कहना चाहूंगा, इधर भी दिखाएंगे, इधर की तस्वीर आप लोग कैमरा के माध्यम से देख सकते हो, किस कदर यहाँ रेलिंग लगी थी और रेलिंग को किसी के द्वारा उखाड़ के ले गया गया है। और कैमरा मैन को कहना चाहूंगा, उधर भी हम चलेंगे और बारीकी से दिखाएंगे। जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये सूर्य नारायण नगर पंचायत की तस्वीर है जो जिला जानवी चौपा के अंतर्गत आती है। और बता देना चाहो, देख सकते हो आप वीडियो के माध्यम से, इस कदर इसमें भी रेलिंग लगी हुई थी लोहे का, लेकिन जर्जर स्थिति पहुंच चुकी है। ये एक और रेलिंग है जो निकलने के कदार पे है, शराबियों का नशालियों का अड्डा बन के बने हुए हैं, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो मौन पड़े हुए हैं। देख सकते हो इस प्रकार से यदि लापरवाही बढ़ती गई तो शासन को करोड़ों रुपए के चूने लग रहे हैं, केवल नाम मात्रों के लिए बस स्टैंड बना दिए जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ किस कदर जो नापुर टैक्स रहते हैं, जो नशा इंजेक्शन का जो नशाड़ी रहते हैं वो यहाँ आते हैं, और बिल्कुल किस कदर से कि नशा यहाँ करते हैं, और नशा करने के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद यही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो करोड़ों रुपया के जो टैक्स के जो पैसा रहते हैं, जो पब्लिक के जो प्रॉपर्टी रहते हैं, पब्लिक का जो टैक्स के जो पैसा रहते हैं, शासन को करोड़ों रुपया के चूना लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये 7 तौर पे कहा जा सकता है, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और शासन की भी लापरवाही देखी जा रही है। हर खबर न्यूज से मैं जिला संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप, जय। चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए।